नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के जैसा कि पीट पीएचटी अभी चल रहे हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों को देना हूँ फिजिकल अपडेट। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल के बारे में क्या क्या अपडेट्स हैं आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं, तो यहाँ पर मैं एक और वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने हुए हैं बाहर और कौन से एसएससी सेंटर पर हुआ है। ये कहाँ का मैं डिटेल बता रहा हूँ ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ बिहार का। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के यहाँ पर कोई डाउट ना हो कि कौन से सेंटर का बता रहे हो भाई। तो मैं आप लोगों के यहाँ पर ये पहले ही बता देता हूँ कि ये बिहार का मैं बोल रहा हूँ और बिहार का जो किशनगंज एरिया है वहाँ का एसएसबी सेंटर का है। जी हाँ दोस्तों, तो ये पूरी डिटेल वहीं से अलाउ है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कितने बच्चे वहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं और कितने हुए हैं डिसक्वालीफाई और कितने बजे रनिंग करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो रनिंग है वो काफ़ी लेट करवाई गई है। कितने बजे करवाई गई है वो आप लोगों को आगे बताता हूँ। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर है कि घड़ी अलाउ है या फिर नहीं है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई बताइए कि घड़ी अलाउ है रनिंग के लिए या फिर नहीं है, तो वो भी आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ में। वीडियो को स्किप जरा सा भी कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी तुरंत के तुरंत गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स आगे भी मिलती रहें, किसी भी अपडेट से आप मिसिंग ना हो। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आए तो उसे भी लाइक करें। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि कितने क्वालिफाई हुए हैं, कितने बाहर हुए हैं। तो एक लोगों को एक बार मैं आप लोगों को और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये डेटा है बिहार के किशनगंज का। जी हाँ दोस्तों, बिहार का किशनगंज जो है वहाँ का डेटा है कल का, कल यानी कि 17 अगस्त का। तो यहाँ पर दोस्तों कितने हुए हैं बाहर और कितने हुए हैं क्वालिफाई, टोटल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो भाई यहाँ पर टोटल में से 350 लोगों का यहाँ पर कल 17 अगस्त को यहाँ पर इनका पेट पीएसटी था और जिसमें कि यहाँ पर 100 जो थे वो अनुपस्थित थे यानी कि एबसेंट थे और इसमें से बचे 250 में से जो आपके क्वालिफाई हुए हैं वो मात्र हुए हैं 12। जी हाँ दोस्तों, ओनली 12 हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो रेशियो बन रहा है वो आप देख लीजिए, 350 का जो पेट पीएसटी लगा हुआ था उसमें से 100 जो थे वो वहाँ पर अनुपस्थित थे और 250 बचे 250 में से मात्र यहाँ पर 12 को क्वालिफाई किया है। इतने दोस्तों यहाँ पर रेशियो बना है बिहार के किशनगंज में रनिंग में जो पेट पीएसटी वहाँ पर कराया जा रहा है, रनिंग में जो क्वालिफाई हुए हैं ओनली 12 हुए हैं। सो गाइस, ये रहा यहाँ का रेशियो रनिंग का पेट पीएसटी का। और इसी के साथ में और आप लोगों को आगे बताऊँ तो यहाँ पर रनिंग कितने बजे करवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का जो रनिंग हुआ है काफ़ी अजीब टाइम से हुआ है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टाइम पर हुआ है। तो कितने बजे हुआ है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ। अगर गाइस, यहाँ पर बिहार का किशनगंज जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट रनिंग कराई गई है, जो भी बच्चों को है सुबह के सुबह यहाँ पर बुला लिया गया है और इनको शाम तक वहाँ पर वेट कराया गया है और रनिंग कराई गई है शाम को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों की रनिंग जो है काफ़ी लेट करवाई गई है, शाम को वहाँ पर रनिंग करवाया गया है और जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यू नो एक तरह से उनको भूख भी लग रही थी तो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। तो ये जो रनिंग थी एक अनएक्सपेक्टेड टाइम से थी, ये ऐसा क्यों कराया गया है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ का जो एसएसबी सेंटर है उस पर ये रनिंग चल रही थी और बिहार के किशनगंज में। तो यहाँ पर इतने बजे रनिंग कराई गई है भाई शाम को, और इनका क्या है ये मामला मुझे समझ में नहीं आया। इसी के चलते आप मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घड़ी अलाउ है या फिर नहीं है। सो भाई, यहाँ पर जो है रनिंग के लिए घड़ी अलाउ है या फिर नहीं है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर परेशान हैं कि सर बताइए मुझे घड़ी अलाउ है या फिर नहीं है। तो सो गाइस, आप लोगों के बहुत अच्छी बात है कि घड़ी अलाउ है। अभी स्टार्टिंग में जैसा कि काफ़ी लोग बता रहे थे घड़ी अलाउ नहीं है रनिंग के लिए, लेकिन अब जो है घड़ी काफ़ी लोग पहनकर जा भी रहे हैं और वहाँ पर रनिंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, घड़ी अलाउ है आप लोगों की रनिंग के लिए, तो घड़ी ज़रूर पहन के जाएँ। और गाइस, इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर आप लोगों ने अभी चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी के भी कर दें सब्सक्राइब, और ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की अपडेट्स, डेली अपडेट्स जो आपको एसएससी जेटी की पेट पीएसटी की हैं आप लोगों को मिलती रहें। सो गाइस, ये थी वीडियो आप लोगों के पेट पीएसटी के बारे में, अपडेट के बारे में, जो भी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।